हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली बैठक को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर कहा कि किसान और सरकार के बीच वार्ता सकारात्मक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का पर्व हम सभी के लिए राष्ट्रीय पर्व है, इसमें किसान किसी भी तरह से बाधा नहीं डालेंगे। जहाँ तक 26 जनवरी की बात है तो उन लोगों ने जो एक आश्वासन दिया है कि हम किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे, बल्कि जो बॉर्डर पर जहाँ हम लोग बैठे हैं वहीं कोई कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम की रूपरेखा वो अपने आप तय करके बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई ऐसी कठिनाई आएगी। 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के नाते से ये सबका त्यौहार होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, सारे देश भर में होते हैं। और मैं अपील भी करता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ है, जहाँ अपने संगठन के हिसाब से वो मना सकते हैं, अपने अपने तरीके से कार्यक्रम सबको करने चाहिए। किसी कार्यक्रम में कोई खलल पैदा करना ये हम किसी को भी यानी उचित नहीं लगता है, और किसान तो बिल्कुल इस मामले में बहुत देशभक्त आदमी होता है, वो ऐसा कोई काम करेगा भी नहीं। जहाँ तक 26 जनवरी की बात है तो उन लोगों